बिगड़ती नजर आ रही है। कोटा में 600 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। और ऐसे में मेडिकल कॉलेज जेकेलॉन हॉस्पिटल और एमबीएस हॉस्पिटल में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब दिक्कत ऑपरेशन में भी आएगी। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर की अनुपस्थिति में सीनियर डॉक्टर को बुलाया गया है। डॉक्टर की हड़ताल और आफत आ गई है मरीजों पर। प्रदेश भर में जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल चल रही है, उसके बाद चिकित्सा व्यवस्था बेपटरी होती नजर आ रही है। कोटा की अगर बात करें तो कोटा मेडिकल कॉलेज के तमाम जो सरकारी चिकित्सालय हैं, उनमें करीब करीब 600 रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, जिसके चलते चिकित्सा व्यवस्था बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रही है। मेडिकल कॉलेज, जेकेलॉन हॉस्पिटल और एमबीएस हॉस्पिटल, जो संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, संभाग के चारों जिलों के अलावा मध्य प्रदेश से भी मरीज यहाँ पर आते हैं। बड़े पैमाने पर चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं आप, एमबीएस हॉस्पिटल के ओपीडी ब्लॉक में हम हैं। यहाँ पर मरीजों की जो ये कतार है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है। किस तरह से जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने के बाद में मरीजों पर ये आफत आई हुई है। घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है, और इसके बाद में देख सकते हैं आप कि ये हालात है कि यहाँ पर बहसबाजी भी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब मरीज घंटों तक इंतजार करता है और उसका नंबर नहीं आता, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो सीधे तौर पर नजर आता है। कितने घंटे से आप हैं और क्या नंबर? एक घंटा हो गया हमें यहाँ पे। अब ये बताओ कि दो दिन होते हैं इन डॉक्टरों के बैठने के लिए, मंगलवार या शुक्रवार, तो उनको टाइम से यहाँ के बैठे मरीज को देखे, इतनी लंबी लाइन। जब उसका नंबर आता है कि मुझे फलाने डॉक्टर को दिखाना है, महेश को दिखाना है या भारत भूषण को दिखाना है या जयसवाल उसको दिखाना है, क्या नाम है, तो वो तब तक तो वो क्या नाम है, वापस को एक तरफ बिठा देते हैं कि भाई वो डॉक्टर बैठे ही नहीं है, वो आएंगे जब बेड दिखा लेंगे। क्या करोगे, वहाँ से लाइन में लग के इतनी दूर से यहाँ तक आएंगे, अब एक तरफ बिठा दिए, अब वो आएंगे तब उसको दिखाएंगे। यानी कि लाइन में लगना पड़ रहा है। कितने घंटे बाद में आपका नंबर आया? देखो डॉक्टर कुछ पता नहीं है, वो एक चीज को तीन दिन बाद लिखता है और तीन दिन बाद प्लास्टर कराने के लिए बोलता है। उसको जैसे बोलो ना कि यहाँ प्लास्टर लिख दिया, उसको भी पता नहीं कि करना कहाँ पर है प्लास्टर। फिर दोबारा फिर उसको बोलोगे भाई सभी जहाँ दर्द हो रहा है, रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल है, इस वजह से सब कुछ प्रभावित हो रहा है। अभी कोई इशू नहीं है सर। और बड़ी जानकारी आपको दे दे, जयपुर में पुलिस ने 3 हार्डकोर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की थी। तीनों बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2 बदमाश घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक झुंझुनू पुलिस से बदमाशों की सूचना मिली थी। पुलिस की माने तो इनमें से एक बदमाश के खिलाफ झुंझुनू में हत्या और गवाहों पर जानलेवा हमले के केस दर्ज है। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर बुलेटिन में अभी इतना ही।